हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों आज हम बात करेंगे, जो आपका लॉकडाउन है जो 15 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक बढ़ चुका है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इस लॉकडाउन बढ़ने की वजह से हमारे जो एनआईएस के एग्ज़ाम होने वाले थे उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हमारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, अगर एग्ज़ाम होंगे तो कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा, अगर रिजल्ट आए लेट आए लेट आएगा तो फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होंगे भी या नहीं होंगे। तो इस तरह के जो भी डाउट्स हैं, जैसे काफ़ी सारे बच्चों के जो कॉमन से एक डाउट ये है कि सर जो है कि अब एग्ज़ाम नहीं होंगे और हमें जो है सभी को अब पास कर दिया जाएगा, तो इस तरह की जो भी न्यूज़ चल रही है आज हम इन्हीं सभी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर कर दें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को अपने एनआईएस वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो भी आपका डाउट है, कि सबसे पहला डाउट बच्चों का यही है कि एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे। देखो जैसा अब आपको पता है 15 अप्रैल से अब लॉकडाउन दोबारा से बढ़ चुका है, 3 मई तक हमारा एक लॉकडाउन वो दोबारा 3 मई तक दोबारा चलेगा। इसमें अभी तक एनआईएस की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। एग्ज़ाम हमारे कंडक्ट कराए जाएंगे और जो वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे वो हमारे मे बी मई के लास्ट में या फिर जून में जा करके हमारे वो एग्ज़ाम होंगे। मई के लास्ट में हो सकता है अगर लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ा, और तो एग्ज़ाम हमारे जून में कन्फर्म हो जाएंगे। कुछ बच्चों के ये डाउट्स थे कि सर जब जून में हमारे एग्जाम होंगे तो फिर हमारा रिजल्ट कब आएगा। देखो इसका ये है, अगर आपके एग्जाम जून में या मई के लास्ट में कंडक्ट कराए गए तो उसका थोड़ा फास्ट प्रोसेस होगा। फास्ट प्रोसेस ये होगा कि रिजल्ट आपका बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज ये है, जब रिजल्ट जल्द आपका थोड़ा लेट तो होगा वैसे, क्योंकि जुलाई जुलाई में जाकर के फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है एडमिशन आपका लेट होगा, वहाँ पर भी जो है सारे ही प्रोसेस जो है आपके डिले हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन ना लें कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जो 12th वाले बच्चे हैं, जो सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के डाउट्स था कि सर हमारा आगे एडमिशन कैसे होगा, हमारा तो साल ख़राब हो जाएगा। तो इससे आप बिल्कुल ना डरें, आगे ऐसा कुछ जो भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन डिले आपके हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा जो है आजकल यूट्यूब पे भी या सब जो है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों के कॉल आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर जो है अब एग्ज़ाम तो होंगे नहीं और हम सब ऐसे ही पास कर दिए जाएंगे। देखो अभी तक भी एनआईएस की तरफ से ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे और आपको पास कर दिया जाएगा। आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, अभी तो 100% श्योरिटी यही है। तो आप किसी भी इस तरह की फेक अफवाहों में ना आए, ना ही किसी भी फेक न्यूज़ पर इस तरह की विश्वास करें। आप अपनी पढ़ाई पर पूरा का पूरा फोकस करें, अच्छे से पढ़ें, अपनी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें। आपको पढ़ाई में जो भी हेल्प चाहिए हम पूरी पूरी आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन इस तरह की अफवाहों में ना आए। कभी आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो और इस दौरान पढ़ाई ना करो और आपका फिर एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए और आपका रिजल्ट खराब हो जाए, तो इस तरह की बिल्कुल भी अफवाहों में ना आए दोस्तों, बिल्कुल भी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है, वो उसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। उसमें आपको जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एनआईएस की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें सबसे पहले आपको हम तुरंत शेयर कर देंगे। और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में एक बेनिफिट और ये है कि हम उसके अंदर नोट्स आपके 10th के 12th के सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो भी आपके स्टडी मटेरियल है, जो भी हम हेल्प कर सकते हैं, उनके पीडीएफ वगैरह वहां पर हम उसमें डालते रहते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि अभी जो आपके जो फाइनल कंक्लूजन यही है हमारा, जो आपका अब ये लॉकडाउन 3 मई तक तो इंक्रीज हो ही चुका है, हमारा जो एक्सपीरियंस है और जो हमने जो वहाँ एक्सपर्ट से जो एनआईएस के बात की हैं अभी तक, उससे मतलब यही हासिल हो पाया कि जो अभी एग्ज़ाम हमारे या तो मई के लास्ट में होंगे और बाकी थ्योरी एग्ज़ाम तो हमारे जून में ही जा करके कंडक्ट कराए जाएंगे, वो भी तभी अगर हमारा लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ा, स्थिति कंट्रोल में रही तो फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, अदरवाइज़ हो सकता है फिर आगे फिर और भी बढ़ा दिए जाएँ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको स्टडी मटेरियल या नोट्स किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़ सकते हो, या फिर या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। इससे इसके अलावा दोस्तों हमारे जो चैनल पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो और नोट्स की वीडियोस डली हुई हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हमने डाल रखी हैं, कुछ चैप्टर्स की
हमने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, तो आप उनको जा करके देख सकते हो, उनसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आपको किसी और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो आप जुड़ जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें, आप वहाँ पर भी अगर आप बोलोगे तो हम वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।